रशिया वर्सेस यूक्रेन, लेकिन कीमतों की चीजें भारत में क्यों बढ़ रही हैं? चाहे वो सूर्यकांत का तेल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सब की चीजें इंडिया में क्यों बढ़ रही हैं? आज इस विषय में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना। आज हम बात करेंगे क्यों क्यों भारत जो है, जो 40% जो अपना इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट क्या होता है, मतलब किसी दूसरे देश से चीज़ों को अपने देश में लाना इम्पोर्ट है, जो सूर्यकांत ऑयल का है 40% रशिया से करता है। और जो है ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल जो है वो जो है रशिया से ही सबसे ज़्यादा भारत करता है। तो अब आप लोग बोलेंगे उन यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है भाई, इसका हमसे क्या लेना देना, हमारे यहाँ प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जो सारे देश हैं वर्ल्ड वाइड, उन लोगों ने क्या किया है, रशिया पे जो सैंक्शंस लगा दिए हैं, अर्थात निर्बंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है हम लोग आपसे अब व्यापार नहीं करेंगे, अब हम आपसे कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे, और दूसरे देशों को भी मना कर रहे हैं कि आप लोग उनसे चीज़ें नहीं खरीदें, क्योंकि वो लोग उनको आर्थिक रूप से छोड़ देना चाहते हैं रशिया को। क्योंकि अगर वो देश आर्थिक रूप से वहाँ से कमज़ोर हो जाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, तो वो युद्ध रोकेगा इनडायरेक्टली, जो सारे देश हैं मिलकर ये कर रहे हैं। लेकिन इसका इनडायरेक्टली जो है प्रभाव हर एक देश पर पड़ रहा है, क्योंकि हर एक देश में हर वस्तु की चीज़, जो सामान्य जो रशिया जो एक्सपोर्ट करता था हर देश को चीज़ें, उन सभी देशों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। और भारत में इसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है कि भारत जो है, जो सनफ्लावर ऑयल है वो जो कच्चा माल है उसका 40% वहाँ से लेता था। अब इस 40% को क्या करेगा भारत, अगर दूसरे देश से लेने जाएगा तो सडनली क्या होगा, 40% कोई दूसरा देश एक दिन में नहीं बना सकता है, क्योंकि जो हर देश है जो उसका एक्सपोर्ट है, जहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो जो है डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही चल रही है। लेकिन अब डायरेक्ट सडनली भारत क्या करेगा, 40% किसी और देश से लेने जाएगा, तो उनके पास तो होगा नहीं, होगा नहीं। और भारत अगर डिमांड करेगा तो क्या होगा, जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, मार्केट में क्या है सप्लाई बहुत ही कम है, उस वजह से क्या है कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर हम दूसरे जो कच्चा तेल है उसकी बात करें, जो भारत है रशिया से सबसे ज़्यादा लेता है। ये नहीं कि खाली भारत जो है रशिया पे ही डिपेंड है, क्योंकि भारत में जो है हम लोग जो पेट्रोल डीजल है इन सब चीज़ के लिए कच्चा तेल है जो यहाँ पे हमको नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अरब देश, अमेरिका और रशिया पे डिपेंड रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और रशिया से ही हम लोग सबसे ज़्यादा जो है इसका कच्चा तेल खरीदते हैं। अब क्या हो गया है, रशिया जो है उस पर अमेरिका वगैरह ने सबसे सैंक्शंस लगा दिए हैं, कह रहे हैं इनसे कच्चा तेल जो है वो नहीं लेना है। अब है तो क्या हो जाएगा, उसको जो दूसरे देश हैं जैसे अमेरिका और जापान है और जो अरब देशेस हैं, उन सबसे इसको द्वेष मतलब पंगा लेने जैसा काम हो जाएगा। अगर नहीं लेता है तो उसका इनडायरेक्टली इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अभी रेट से $100 में जो प्रति बैरल मिल रहा है उसका रेट जो अब है मार्केट में बहुत दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि रशिया ही है जो वर्ल्ड में दूसरे या तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर है कच्चे तेल का, ना ही इंडिया, बल्कि हर एक देश को जो एक्सपोर्ट करता है रशिया ही उसमें सबसे ज़्यादा करने वाला है। अब अमेरिका क्या कह रहा है, हम लोग तुम पे सैंक्शन लगा चुके हैं, हम लोग तुमसे नहीं लेने वाले हैं, इसका इनडायरेक्टली असर अमेरिका भी पे पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका इस चीज़ के लिए रेडी है, और रशिया भी जो है वो कह रहा है अमेरिका को, अगर तुम लोग हमसे ऑयल नहीं लेना, हमारे अगर जो एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको, अगर तुम उस चीज़ को नहीं लोगे तो हम भी अपना जो एक्सपोर्ट है तुम्हारे देश के लिए बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर रशिया खुद ही अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, रशिया आपको पता है ऑलरेडी जो ये सैंक्शंस वगैरह रख रहे हैं इसकी वजह से उनकी इकनॉमी ऑलरेडी डाउन होने वाली है। लेकिन अगर रशिया इस तरीके का सैंक्शन जो अपने आप पे खुद लगा लेता है कि हम लोग ही तुमको नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, जो बैरल का रेट है, प्रति बैरल का रेट है, थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला था, एकदम सिर्फ बढ़ जाएगा 400-500 रुपये, तो उससे क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी पूरे विश्व में। तो अमेरिका अभी क्या, वेनेजुएला एक देश है उससे बातचीत में लगा हुआ है कि आप लोग हमको एक्सपोर्ट कीजिए जो कच्चा तेल है। वेनेजुएला पे भी ऑलरेडी अमेरिका जो है सैंक्शंस लगा चुका था कि ये सब तुम, हम व्यापार आप लोगों से नहीं करने वाले, पर अभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं, रशिया से माल ले नहीं सकते, अगर नहीं लेंगे तो उनके देश में भी हर एक चीज़ की वस्तुओं के रेट बढ़ने वाले हैं। तो वो क्या कर रहा है, वेनेजुएला से बातचीत में लगा हुआ है कि आप लोग हमको कच्चा तेल दीजिए, लेकिन
क्या, और जो अरब देश हैं और भी जो अमेरिका है जहाँ से भारत ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ से क्या होगा, सडनली जो रशिया से हम जो जो लेते हैं कच्चा तेल, सडनली हम वहाँ को शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर शिफ्ट करते भी हैं तो क्या होगा, वो लोग जो है प्रतिदिन 100 से लेकर 120 बैरल तक ऑयल निकालते हैं। अगर हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए उनको 200 से 300 बैरल निकालना पड़ेगा, जो लोग वो लोग नहीं करेंगे। अगर वो कर भी लेते हैं तो उन्हीं के लिए घाटा है, अगर नहीं करेंगे तो क्या है, उनका जो रुपीज़ का वैल्यू है वो बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, उनको पता है, तो वो लोग नहीं करेंगे और डिमांड के हिसाब से अपना रेट बढ़ा के वो भी देने वाले हैं। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से जो रेट है इंडिया में, जो कुकिंग ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, उसके जो आने वाले दिन हैं उनमें बढ़ने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए रोचक तथ्य के साथ। टेक केयर, धन्यवाद।